12th फेल IPS मनोज शर्मा के जीवन पर बनी इस फिल्म की कहानी लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन गई है, क्योंकि इस फिल्म में उन लाखों लोगों की कहानी है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आर्थिक स्थिति से जूझते हुए अपने सपनों को पाने के लिए मनोज कुमार शर्मा के रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। इस फिल्म के सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करने वाला कैरेक्टर मनोज के दोस्त प्रीतम पांडे और गौरी भैया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब मनोज शर्मा ने अपने UPSC के 3 अटेम्प्ट खो दिए थे, तब बार बार री स्टार्ट बोलकर सभी को मोटिवेट करने वाले गौरी भैया अब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है, फिल्म में दिखाया गया है कि मनोज जब अपने घर से केवल सपने लेकर निकलते हैं तो उनके पास अपने दादी के दिए चंद रुपयों के अलावा और कुछ नहीं था। फिर मनोज को प्रीतम मिलते हैं जो उसे दिल्ली ले जाते हैं, जहाँ दिल्ली में मनोज की मुलाकात गौरी भैया से होती है। गौरी भैया मनोज की बहुत मदद करते हैं और गौरी भैया ने IAS में सेलेक्ट न होने के बाद चाय का काम शुरू करता है, जो आज भी गौरी भैया नाम के किरदार मुखर्जी नगर में चाय की दुकान चलाते हैं। भाई लोग, सच तो यह है कि गौरी भैया का नाम इस फिल्म में काल्पनिक रखा गया है ताकि मनोज के वास्तविक दोस्त की पहचान को छुपाया जा सके। यानी 12th फेल के गौरी भैया की आज भी मुखर्जी नगर में चाय की एक दुकान है और वह अब भी छात्रों को रीस्टार्ट कर मोटिवेट करते हैं। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल IMDb पर 9.3 सबसे ज्यादा रेटिंग वाली भारतीय फिल्म बन गई है, जिसमें 2023 में रिलीज हुई ओपेनहाइमर और बारहवीं फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए मैं इस फिल्म की पूरी कहानी बताता हूँ। जम्मल गांव में जन्मे मनोज कुमार शर्मा एक क्लर्क के बेटे होते हैं। उनके पिता एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। और इधर मनोज भाई 12th की परीक्षा में पास करने के लिए नकल की पर्चियां तैयार करते हैं, पर एग्जाम हॉल में पुलिस अधिकारी DSP दुष्यंत सिंह आते हैं और स्कूल में नकल करना बंद करवा देते हैं, जिससे मनोज के साथ सभी छात्र भी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। अब इसके बाद मनोज के परिवार की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, उधर उनके पिता की नौकरी भी चली जाती है और इधर मनोज शर्मा भी 12th में फेल हो जाते हैं। अब आगे की पढ़ाई तो होने से रही, कुछ दिनों बाद मनोज के भाई को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद सीधा मनोज DSP दुष्यंत सिंह के पास जाते हैं, जो उनकी मदद से अपने भाई को बचा लेते हैं। रास्ते में मनोज DSP बनने की सोचते हैं और घर जाते जाते दुष्यंत सिंह से सवाल पूछते हैं कि हमें भी आपके जैसा बनना है। तो दुष्यंत सिंह उसे जवाब देते हैं कि मेरे जैसे बनने के लिए तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी। इसके बाद और क्या था, मनोज चीटिंग छोड़ देते हैं और किसी भी तरह 12th पास करते हैं। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके और दादी से पेंशन के रुपए लेकर DSP बनने निकल पड़ते हैं, पर बीच रास्ते में मनोज शर्मा के पैसों के साथ पूरा बैग ही चोरी हो जाती है। फिर किसी भी तरह कुछ दिन गुजारने के बाद मनोज शर्मा की मुलाकात पांडे से होती है। पांडे के साथ मनोज शर्मा भी UPSC की तैयारी करने के लिए उनके साथ दिल्ली चले जाते हैं, जो अब यहाँ से फिल्म की असल कहानी शुरू होती है। मनोज शर्मा को मुखर्जी नगर की हवा लगती है और UPSC की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स अपना क्लियर कर लेते हैं, पर जब मेंस की बारी आती है तो उसमें यह असफल हो जाते हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात गौरी भैया से होती है। गौरी भैया का UPSC का सारा अटेम्प्ट अब खत्म हो चुका है, जिसे वो अपने खर्चे के लिए चाय की दुकान और कोचिंग सेंटर चलाते हैं। मनोज शर्मा दिन भर लाइब्रेरी में काम करने के बाद कुछ पैसे लेकर एडमिशन करवाने एक कोचिंग सेंटर में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात श्रद्धा जोशी से होती है। श्रद्धा जोशी को देखते ही पहली नजर में मनोज शर्मा उनसे प्यार कर बैठते हैं। श्रद्धा पढ़ाई में बहुत ही अच्छी होती हैं, इनके माँ बाप भी टीचर होते हैं, पर मनोज शर्मा की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, उन्हें काम भी करना पड़ता था। इसी बीच काम और पढ़ाई से वक्त निकाल कर मनोज शर्मा श्रद्धा से भी मिल लिया करते थे। जब दूसरा अटेम्प्ट मनोज शर्मा का खत्म हो जाता है तो श्रद्धा के घर श्रद्धा से मिलने पहुंच जाते हैं। वहां पर श्रद्धा से मुलाकात तो नहीं होती है, पर अपने दिल की बात फोन पर श्रद्धा से कह देते हैं, जो यह बात सुनने के बाद श्रद्धा जोशी मनोज शर्मा को वापस दिल्ली जाकर फिर से तैयारी करने की सलाह देती है। लेकिन मनोज शर्मा वापस दिल्ली जाने के बजाय सीधा अपने घर लौट जाते हैं। घर लौटने पर इन्हें पता चलता है कि पेंशन वाली दादी तो भगवान के प्यारे हो चुकी है, अब पैसे कहाँ से आएंगे। दादी के घर में सोकर सपने देखने से अच्छा है कि वापस दिल्ली चला जाए। मनोज शर्मा फिर से मुखर्जी नगर में पहुंचकर आटा चक्की में काम करना शुरू कर देते हैं और मेंस के एग्जाम में टूरिज्म के बारे में लिखने के बजाय टेररिस्ट पर लिखकर चले आते हैं, जिससे एग्जाम में फिर से फेल हो जाते हैं। अब मनोज शर्मा के पास लास्ट अटेम्प्ट बचा था, जो मनोज शर्मा और श्रद्धा जोशी को एक साथ देखकर पांडे को बहुत गुस्सा आ जाता है। पांडे को गुस्से में देखकर श्रद्धा नाराज होकर यहां से जाने लगती है। फिर मनोज
और श्रद्धा में कुछ बातें होती है। इसके बाद मनोज गौरी भैया के पास काम करने के लिए वापस जाते हैं, पर गौरी भैया उसे काम करने से मना करते हैं और अपना खर्च देकर मनोज को सिर्फ पढ़ाई करने की सलाह देते हैं। इसके बाद मनोज शर्मा कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी यूपीएससी का मेंस क्लियर कर लेते हैं। अब आती है इंटरव्यू की बारी, साथ में श्रद्धा भी होती है। इंटरव्यू में मनोज शर्मा बहुत ही ईमानदारी से जवाब देते हैं और अंत में मनोज शर्मा की कहानी रिजल्ट के साथ खत्म हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।